अमीर हो जाना या फिर मरते दम तक ट्राई करते रहने का मतलब है हिप हॉप स्टाइल से जुड़े रहना। लेकिन एक बात है कि क्लब और कस्टम से सारी चीजें किसी को फ्री में नहीं मिलती हैं। कुछ किस्मों में तो हम कहेंगे कि हिप हॉप लाइफस्टाइल अपनाने का मतलब है अमीर होकर बैंकरप्ट हो जाना। तो आइए आप जानते हैं उन रैपर्स के बारे में जो कि बेवकूफी के कारण नुकसान झेलते रहे। टाइगा खुद को नहीं बदल पाया। ये रैक सिटी रैपर बड़ी मात्रा में कर्ज में डूबने में सक्षम रहा। साल 2018 में रैपर टाइगा को 2011 से 2016 तक बैंक टैक्स में 8,90,18,357 देने हैं, इसकी सूचना मिली। क्या आपको ये तरीका थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये वही साल है जब टाइगा की मुलाकात अरबपति काइली जेनर से हुई थी। तो रियलिटी टीवी लाइफस्टाइल के चकाचौंध और ग्लैमर में लिप्त रहने के कारण उनके दिमाग को टैक्स भरना याद ही नहीं रहा होगा। लेकिन जब वे उनका रिश्ता पॉप प्रिंसेस से टूटा, टाइगा की वित्तीय समस्याएं वास्तव में बहुत बढ़ गईं। मार्च 2016 में रैपर पर $1,86,000 के नुकसान का मुकदमा दायर किया गया जब उन्होंने एक किराए पर ली गई प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया था। उसके बाद 2016 में बेवरली हिल्स के ज्वेलर जेसन और शिवन ने दावा किया कि टाइगा ने उनसे कुछ ज्वेलरी खरीदी थी जिसका उन्होंने $2,80,000 का भुगतान नहीं किया। लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ देना छोड़ दिया था और 2016 में उनकी फरारी 488 को भी जब्त कर लिया गया क्योंकि उन्होंने पैसों का भुगतान नहीं किया था। ओहो, क्या हिम्मत है भाई। फीलिंग टी पैन सच है। आप पूछेंगे कैसे? तो इसके पीछे खर्च करने के साथ बुरा मैनेजमेंट शामिल है। अपनी करियर की पीक पर टी पैन के पास बैंक में लगभग $40 मिलियन थे और इन पैसों को खर्च करने के लिए ये रैपर ने 36 क्लासिक कार्स खरीद रखी थी जिसमें $1.2 मिलियन बुगाटी वेरोन भी शामिल है। लेकिन अफसोस कि उन्होंने इस गाड़ी का रेडिएटर सिर्फ 5 महीनों में ही खराब कर दिया था जिसे ठीक करवाने में उन्हें $90,000 लगे। अगस्त 2019 के अपने एक टीवी इंटरव्यू में टी पैन ने यह भी कहा है कि वे रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने मैनेजर को ट्रस्ट कर रहे थे, ये अज्यूम करते हुए कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। हालांकि उन्होंने कभी ये डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस पर कितने पैसे खर्च हुए थे। लेकिन एक बात पक्की है कि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी बेची नहीं गई थी। खराब इन्वेस्टमेंट और फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण उन्हें अपना फ्लोरिडा का घर भी बेचना पड़ा क्योंकि वो अपना लोन भरने में असक्षम थे और उन पर $1,17,158 का हर्जाना था। इसके कारण उनका अटलांटा का $6 मिलियन का घर भी खतरे में था। और इसमें मेंशन की बात तो है ही नहीं कि उनके भाई का मेडिकल बिल $1.4 मिलियन का था। इस वक्त तक उन्होंने ये भी कबूल कर लिया था कि वे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं क्योंकि अपने बच्चों को बर्गर दिलवाने के लिए भी वे पैसे उधार ले रहे थे। 10 साल के अंतराल में सीधा $40 मिलियन से वे $0 तक पहुंच गए। सच में इसमें तो बुगाटी को भी शर्म आ जाए। एग्जिबिट ए बी और सी। इसमें कोई शक नहीं है कि अर्ली 2000 में एमटीवी का किंग और कोई नहीं बल्कि रैपर पिंप माय राइड होस्ट ज़िबिट थे। लेकिन उनका जब पतन हुआ बहुत बुरे तरीके से हुआ। जब वे मशहूर थे तब वे कम से कम हर एल्बम के लगभग 1 मिलियन रिकॉर्ड्स बेच रहे थे लेकिन वे 2006 में ये आंकड़ा सीधे 1,22,000 पर पहुंच गया। अब सब कुछ इस रैपर के टीवी होस्टिंग करियर पर निर्भर था लेकिन 2007 में उन्हें इस काम से हटा दिया गया और उनकी कमाई यहीं बंद हो गई। पब्लिक रिकॉर्ड्स का कहना है कि 2007 में ज़िबिट $4,97,000 कमा रहे थे लेकिन 2008 में उनकी कमाई घटकर $67,510 हो गई। ज्यादातर लोगों के लिए कीमत जीवन व्यापन करने के लिए काफी होगी लेकिन अगर आपके पास फ्लोरिडा और मैक्सिको में 2 घर हैं जो कि गिरवी हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल भी बहुत ज्यादा हाई फाई भी है, फिर तो भैया ये वाकई मामूली है। 2009 में उन्होंने 2 बार खुद को दिवालिया घोषित करने की कोशिश की लेकिन दोनों ही प्रयासों को खारिज कर दिया गया। वैसे तो उनकी फाइनेंशियल परिस्थितियां पहले से ही बहुत खराब थीं। कुल मिलाकर उनके पास संपत्ति में $7,39,433 थे लेकिन 2001 के अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनके पास पिछले करों में $9,59,523 का बकाया है। उससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि उनकी पिंप गाड़ी उनकी नहीं थी लेकिन उनके पास एक रेंज रोवर भी थी जिसके लिए उन्हें हर महीने $2,230 का भुगतान करना था। मुझे पता है आप उन्हें रोल करता हुआ देख रहे होंगे लेकिन आपको उन पर हंसी आ रही होगी। हारून की पार्टी खत्म हो गई।
कभी कभी सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय ये भरोसा करना होता है कि आपके माता पिता वास्तव में जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। और इस बात का एहसास चाइल्ड स्टार और हाल ही में 18 साल के हुए रैपर को 2005 में एहसास हुआ। अब तक इन्हें लग रहा था कि होनी सफलता के कारण उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए थे, लेकिन उन्हें उनके जन्मदिन पर एक टैक्स नोटिस मिला जिसमें उन्हें 4 मिलियन डॉलर्स भरने थे और उनके हेज फंड में सिर्फ 2 मिलियन डॉलर ही बचे थे। उनके माता पिता उनकी कमाई का 15वां हिस्सा एक कूगन खाते में अलग से रखने में विफल रहे थे। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा कानून है कि चाइल्ड एक्टर्स की कमाई का हिस्सा अलग रखना कंपलसरी है। बाकी के 10 मिलियन डॉलर फैमिली कंपाउंड याच और गाड़ियां और उन सभी चीजों में खर्च किए गए जिससे परिवार को भव्य जीवन शैली मिलती। इसलिए 2013 में उनके पास खुद को बैंक्रप्ट घोषित करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उनकी परेशानियों का अंत यहां नहीं होता। लाड़ प्यार के जीवन का मतलब था कि कार्टर को यह समझने के लिए संघर्ष करना पड़ा कि कैसे उनके मैनेजर्स और बाकी के लोग जिनके पास उनके अकाउंट का एक्सेस था सब ने उनका फायदा उठाया। उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ 1.5 लाख डॉलर का ही कर्जा चुकाना है, लेकिन स्पाइक टीवी पर आने के बाद उन्हें एक्चुअल में पता चला कि उन्हें 2,27,000 डॉलर चुकाने बाकी हैं। अज्ञानता में आनंद तो है, लेकिन इससे किसी का फायदा नहीं होता भाई। ब्रो कान्ये वेस्ट, ये स्वीकार करने में कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको पैसों की जरूरत है। इसका उदाहरण आप कान्ये वेस्ट के ट्विटर अकाउंट से भी ले सकते हैं। प्लैटिनम सेलिंग रैपर जिन्हें यीजी या द लुई वीटन डॉन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सबके सामने ये कह दिया कि उन पर 53 मिलियन डॉलर का पर्सनल डेब्ट है। तो भाई उनका ये पतन हुआ कैसे कि उन्हें मार्क जुकरबर्ग से भी पैसे मांगने पड़े? तो इसका जवाब है फैशन। फैशन से मेरा मतलब ये नहीं था कि उन्हें रोज अपनी पत्नी के लिए एक नया ड्रेस लाकर देना पड़ता था, ये काम तो खुद भी कर सकती थी। 2009 में अपने एल्बम 808s and Heartbreak की सफलता के बाद कान्ये ने अपने ब्रांड पेस्टल के साथ फैशन उद्योग में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन 2009 में VMA मंच पर टेलर स्विफ्ट के साथ जो भी हुआ उसके बाद उनका करियर खतरे में पड़ गया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। साल 2011 में उन्होंने हाई एंड वुमेन्स फैशन में अपना हाथ आजमाया, लेकिन वहां भी उनको निराशा हाथ लगी क्योंकि समीक्षकों को उनका काम पसंद नहीं आया। एपीसी के साथ एक कैप्सूल कोलैबोरेशन में उसके इंटरव्यू में पता चला कि उन्हें 30 मिलियन डॉलर का कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया। हालांकि यीजी स्नीकर्स पर नाइके के साथ उनका सहयोग जबरदस्त हिट था, लेकिन उन्होंने बाद में ये रिवील किया कि उन्हें सेल्स का जो परसेंटेज दिया जाना था वो नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने एडिडास के साथ काम करना शुरू कर दिया। उनके पहले फैशन सीजन के बारे में जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब उन पर 16 मिलियन डॉलर का कर्जा बाकी था, इसलिए अब यीजी ने अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन अपने पहले के विफल इन्वेस्टमेंट की वो अभी तक भरपाई नहीं कर पाए थे। हालांकि कान्ये अंततः जुकरबर्ग के दोस्त बन गए और उन्होंने उनके साथ कराओके में गाना भी गाया, लेकिन उन्होंने कभी उनसे डॉलर्स उधार नहीं लिए क्योंकि वे ये पैसा खुद कमाना चाहते थे। इस ट्वीट के बाद से अपने लिए अच्छे रेपुटेशन उन्होंने बनाई और उन्होंने 2019 में 1.5 बिलियन डॉलर कमाए। लिल किम उर्फ क्वीन बज़किल। ओरिजिनल क्वीन बी लिल किम उनका नाम कभी हिप हॉप में हुआ करता था, लेकिन उनके जेल में कैद होने के बाद उनकी लोकप्रियता थोड़ी कम हो गई थी। साल 2001 में उन्होंने कोर्ट में अपने दोस्त के कत्ल केस शामिल होने के बारे में झूठी गवाही दी थी। इस इंसिडेंट को भुलाने के लिए उन्होंने अपने लिए एक 6,000 स्क्वायर फीट का 2.3 मिलियन का घर खरीदा, जो उनके लिए किसी बोझ से कम नहीं था क्योंकि उनके पूर्व लेबल ब्रुकलिन मीडिया ने 2.5 मिलियन डॉलर का मुकदमा ठोक दिया था और यहां तक कि उन्हें आगे गाने से भी मना कर दिया था। साल 2012 में ये रिपोर्ट किया गया था कि उन्हें 1 मिलियन डॉलर के टैक्सेस की भरपाई करनी है, लेकिन साल 2018 तक ये फिगर आसमान ही छू लिया था। हालांकि उन्होंने 2016 में एक बार फिर से वापसी करने की कोशिश की जिसमें उन्होंने 8,23,659 डॉलर की कमाई की, लेकिन ऐसा लगता है कि 2018 में ये अमाउंट कम होकर सीधे 1,80,000 डॉलर की हो गई। लेकिन उसी साल जून में अपने मेंशन की भुगतान न कर पाने के कारण उन्हें अपने क्रेडिटर्स को और 4 मिलियन डॉलर चुकाने थे, 2 मिलियन डॉलर एक लोन कंपनी को देने थे और 1,84,000 और 18,45,451 डॉलर के टैक्सेस भरने थे जो उन्होंने 2004 से 2017 के बीच नहीं भरे थे, और अनपेड लीगल बिल्स में उन्हें 1,86,000 डॉलर का भुगतान करना था। इस घटना के बाद उन्होंने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। ऐसा लगता है कि क्वीन बी को अपना नाम बदलकर वर्कर बी रख लेना चाहिए।
बो डाउन बो वाओ। हर रैपर ये दावा करता है कि वे बेंजामिन में रोल करते हैं और उनके पास क्लब में उड़ाने के लिए पैसे हैं, बस तब तक जब तक कि उनके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए पैसे ना मांगे जाएं। हर रैपर बो वाओ को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। बो ने अपने गीतों में मो मनी एंड प्रिंस ऑफ फेम में अपनी लाइफ की लग्जरी के बारे में बताया है, लेकिन ये सारी बातें 2012 में फ्लॉप हो गईं, जबकि उनके पास चाइल्ड सपोर्ट के लिए $3,000 भी नहीं है, क्योंकि उनके एक महीने की पगार ही $4,000 थी। इस खबर का खुलासा लगभग एक साल के बाद हुआ, जब उन्होंने अपने एजेंट के ऑफिस में जाकर पैसों के लिए भीख मांगी, क्योंकि वे पूरी तरीके से कंगाल हो गए थे। कुछ ही हफ्तों के बाद बो वाओ ने कहा कि उनकी बेंटली को जब्त कर लिया गया है। वहीं ये बात भी सामने आई कि इस रैपर को IRS को $91,000 का भुगतान करना था। उस वक्त के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी ये दर्शाते हैं कि उन्हें एक कंपनी को $2,83,000 चुकाने थे, क्योंकि उन्होंने 2008 में उनसे फरारी 430 लीज पर ली थी, जिसके बाद 2009 में उसको जब्त कर लिया गया। तब से कई बार अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए दुनिया को ये बताते हुए पकड़े गए कि वे टूटे नहीं है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर कैश की गड्डी की तस्वीर डाली। बाद में पता चला कि ये पैसे उन्होंने वास्तव में एक्चुअल मिलेनियर टिमोथी स्काइस के प्रोफाइल से चुराए हैं, या फिर आप यहाँ पर भी उन्हें ये दावा करते हुए देख सकते हैं जहाँ वे प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने की बात करते हैं। लेकिन एक फैन ने उनकी तस्वीर इकोनॉमी क्लास में लेकर उनकी पोल खोल दी, यहाँ तक कि उन्होंने ग्रैमी में जाने के लिए फरारी में जाने की भी तस्वीर पोस्ट की, लेकिन जिस कंपनी ने उनको ये कार रेंट पर दी थी उन्होंने भी उनकी तस्वीर अपलोड कर दी। एक साधारण सा नियम पालन नहीं कर सकते। आप में से जो भी लोग हिप हॉप के फैंस होंगे वे जानते होंगे कि जा रूल 2000 के एक मशहूर रैपिंग लेजेंड हैं, जो कई बार टॉप 20 की लिस्ट में शामिल रहे हैं और वे काफी वीडियोस में भी नजर आए हैं, लेकिन कई लोगों के लिए वे फायर फेस्टिवल में स्कैम करने वाले भी हैं। साल 2017 में बहामाज में होने वाले एक फेस्टिवल में एक बार एक कार क्रैश हुई थी, और इस सब के लिए जो रूल और उनके बिजनेस पार्टनर बिली मैकफार्लेन को जिम्मेदार ठहराया गया था, पता नहीं किस तरह, लेकिन जा रूल ने खुद को $100 मिलियन के मुकदमे से बचा लिया। लेकिन ये मात्र एक फ्रॉड था जो जा रूल ने किया था। हाँ, लेकिन ये शुरुआत भी नहीं थी। साल 2011 में इस रैपर को 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने $1.1 मिलियन का टैक्स पे नहीं किया था। लेकिन 2019 में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया, जब IRS कोर्ट फाइल्स ने ये दिखाया कि उन्हें 2005 से 2008 में टैक्स न भरने के कारण $15,88,310 टैक्स के तौर पर भरने थे। वहीं 2016 का अमाउंट था $4,43,432। भाई, ये भी उन रैपर की लिस्ट में शामिल हैं जो खुद अपने टैक्सेस को पे करने में असक्षम हैं। बर्डमैन विद अ बर्ड ब्रेन। आपने शायद रैपर बर्डमैन के बारे में नहीं सुना हो, लेकिन आप निश्चित रूप से उन कृत्यों को जानते हैं जो उनके लेबल कैश मनी ने मेन स्टेज पर पहुंचाए हैं। ड्रेक, निकी मिनाज और लिल वेन की सफलता ने बर्डमैन की कंपनी को हिप हॉप इंडस्ट्री में सबसे सफल रिकॉर्ड्स लेबल्स में से एक बना दिया। लेकिन इतने पैसे होने के बावजूद भी बर्डमैन खुद को बैंकरप्सी से बचा ना पाए। सितंबर 2017 में EMG ट्रांसफर एजेंट नाम की कंपनी ने बर्डमैन पर 2015 में $12 मिलियन उधार लेने और अपनी मियामी की हवेली को गिरवी रखा था। लोन न भर पाने के कारण उस कंपनी ने उन्हें वहां से उनको बेघर कर दिया और पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया। 9 बेडरूम और 17 बाथरूम वाला एक मेंशन, जिसमें एक स्विमिंग पूल, एक प्राइवेट डॉग और साथ में 4 गुची बाइसिकल्स, जिसके बारे में कंपनी ने बताया प्रॉपर्टी से मिसिंग है, जिसके पीछे बर्डमैन ही जिम्मेदार होंगे। और जो कीमत बर्डमैन को चुकानी है वो है $2,05,44,65,649, और इस कीमत में लीगल फीस और इंटरेस्ट को शामिल नहीं किया गया है। शुरुआत में तो EMG ने इस प्रॉपर्टी को 2017 में $20 मिलियन में बेचने के लिए निकाला था, लेकिन 3 साल में इसकी कीमत घटकर 12.9 मिलियन हो गई। अगर इस प्रॉपर्टी को बेचने में सफल भी हो गए, फिर भी बर्डमैन पर $7 मिलियन का कर्ज रहेगा। अब तो भैया तुमको कोई नहीं बचा सकता बर्डमैन। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा रैपर सबसे ज्यादा बेवकूफ था? नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।